नगर परिषद पवई में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण का दिखाया गया लाइव प्रसारण। शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया, जिसका लाइव प्रसारण पवई नगर परिषद परिसर में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। बता दें कि इस प्लांट के माध्यम से 550 टन गीले कचरे से 17,500 किलो बायो सीएनजी तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष मधु गुलाब सोनी, भवानी पटेल, अरुण नगायच, गणेश डेगरे, सत्यपाल बागरी, एआरआई मुरारी लाल बर्मन, विनित नामदेव, प्रमोद द्विवेदी, आशीष पटेल, रवि खरे, उमाकांत खरे, रवि पांडे, प्रदीप बाल्मीकि मौजूद रहे। गोवर्धन प्लांट स्वच्छता मिशन से भी संबंधित है और हमारे देश में जो मोदी जी का सिद्धांत टारगेट उनका चल रहा है स्वच्छता मिशन के संबंध में, पूरे देश को स्वच्छ बनाने का काम में लगे हुए हैं। इसी तारतम्य में जो अपना ये प्लांट बनाया है और आज उद्घाटन किया है मोदी जी ने इंदौर में, इससे 250 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष एक तो आय होगी, हमारे देश में विकास होगा और इससे ईंधन की भी बचत होगी और हमारे देश की स्वच्छता के बारे में जो प्लांट बनाया गया है इससे स्वच्छता में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है और हमारे मोदी जी ने स्वच्छता के बारे में बहुत जोर दिया है। आज ये प्लांट जो बनाया गया है किसानों के लिए खाद भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा देश में खाद की ज़रूरत है और इससे उत्पादन किसानों का बढ़ेगा और बहुत सारे इससे लाभ हैं। इस प्लांट में जोर दिया गया है मोदी जी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।